Good morning, dear students. Welcome e-learning class. I am your SST teacher. So student, today we will do further reading and explanation, lesson 5, food, page number 27. So take out your SST book and open page number 27. मैम ने आपको 26 पेज एक्सप्लेन कर दिया था विथ रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, और आप लोगों ने वॉइस भी सेंड किया है. टुडे वी विल डू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27. टुडेज डेट 11/8/20, इट्स ट्यूसडे. We get our food from plants and animals. हमें food कहाँ से मिलते हैं? Plants से और animals से मिलते हैं. जो भी हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं like vegetables, fruits, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? Plants से मिलते हैं. और like meat, milk, egg, meat, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? Animals से मिलते हैं. So we get our food from plants and animals. हमें हमारे खाने की चीज़ें या तो पेड़ों से मिलती है, प्लांट से मिलती है, या फिर जानवरों से मिलती है, एनिमल से मिलती है. फाइन. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? वी गेट फ्रूट्स, हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, मींस दाल, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की दाल होती है ना, येलो दाल, ब्लैक दाल, है ना, उसे हमें दाल को क्या बोलते हैं? पल्सेस बोलते हैं. एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट. फूड ग्रेन्स में हमारी बहुत सी चीज़ें आती हैं, लाइक चने होते हैं, चने हैं, छोले हैं, इज़न्ट इट? दीज आर द फूड ग्रेन्स. तो हमें प्लांट से क्या क्या मिलते हैं? वी गेट फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट दाल होती है, पल्सेस मींस, एंड फूड ग्रेन्स मींस चने, छोले, है ना, दीज आर द दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है. सी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन्स. फाइन. वी गेट मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. और हमें अब एनिमल से क्या क्या मिलता है? वी गेट मिल्क, मतलब दूध मिलता है एनिमल से, है ना, हम लोग काऊ एंड बफेलो, है ना, मिल्क पीते हैं. सो ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. एग, एग हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. और वो जो हम नॉनवेज खाते हैं, मीट लाइक मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, ये भी क्या होता है? एनिमल होता है. सो दीज आर ऑल्सो फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. ये हमें, ये सारे फूड्स हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स के थ्रू. फाइन. मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स सच एज कर्ड, बटर, खोया, क्रीम एक्सेट्रा. और जो मिल्क होता है, लाइक जो हमारा दूध होता है, उससे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं. मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स. मिल्क से हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं. क्या क्या बनाते हैं? कर्ड, कर्ड मीन्स दही. जो दूध होता है उससे क्या बनता है? दही बनता है. बटर, बटर मीन्स मक्खन. खोया, खोया मीन्स जिससे हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं ना, खोए की मिठाई होती है, वो खोया भी किससे बनता है? मिल्क से बनता है. और क्रीम, लाइक हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, उसमें जो क्रीम होती है, या हम लोग जो केक्स खाते हैं उसकी जो क्रीम होती है, वो भी किससे बनती है? मिल्क से बनती है. Isn't it? Milk is used for making many things. Milk से बहुत सारी चीज़ें बनती है, चीज़ भी बनता है, पनीर भी बनती है. Isn't it? This is your exercise. Circle the food we get from animals in red. जो भी चीज़ें हमें animals से मिलती है उसे हमें red color से circle करना है. And that from plants in green. और जो हमें plants से मिलती है उसे हमें green color से circle करना है. Fine. तो हम लोग अब सर्कल करेंगे. एग हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. सो वी सर्कल एग.
इन रेड कलर। फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, इसे हम ग्रीन कलर से सर्कल करेंगे। फिश, दिस इज ऑल्सो। देन मीट, ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है, एंड मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल। एंड दिस वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट, एंड दिस फ्रूट वी गेट फ्रॉम प्लांट। फाइन, ये आपको रेड कलर से, आपको जो भी चीज़ें आपको एनिमल से मिलती है उसे आपको रेड कलर से सर्कल करना है, और जो आपको प्लांट से मिलती है उसे आपको ग्रीन कलर से करना है। इजंट इट? वंस अगेन यू हैव टू रीड, वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस एंड फूड ग्रेन फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेबल्स फ्रूट्स फूड ग्रेन। वी गेट मिल्क एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क एग एंड मीट। मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स सच एज कर्ड बटर, खोया क्रीम एक्सेट्रा। कर्ड बटर, खोया क्रीम एक्सेट्रा। एंड दिस इज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू कंप्लीट इट। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रीड लेसन 5 फूड, आपको ये रीड करना है, इजंट इट? एंड सेंड अ वॉइस मैसेज विथ योर रीडिंग इन द ग्रुप विथ योर नेम एंड सब्जेक्ट। आपको सेंड करना है अपने नेम और सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन करके, ठीक है? थैंक यू क्लास।